जोहार नमस्कार प्राइम सादरी में रौरे में के स्वागत है एक रौरे में कर शाक मैं रजिंता तिर्की आज हमरे मन उपस्थित हुई जही बानरहाट ब्लॉक अंतर्गत चामुर्ची सार्क रोड में जहां आज कर दिन में मजदूर मन कर द्वारा पूरा धरना प्रदर्शन करल जात है। सुनल में गेलक की यहां कर जो मैनेजर है बगान कर जो मैनेजर है उनको कल रात के 10 बजे बगान के ताला लगा के चल जाइए और ये सभी तमाम खबर के हमरे मन जाने के लिए बुझी लाइज हमरे मन बानरहाट ब्लॉक का चामुर्ची चाय बगान में उपस्थित हुई जी। हमरे मन देखे सके कि पीछे कई आदमी मन इकट्ठा हुई कि आज के दिन के बोनस के लिए के पूरा प्रदर्शन करो थे तो रौरे मन के ये सभी तमाम खबर के जाने के लिए बुझे के लिए हमने मन इस जगह में उपस्थित हुई जी। इसमें सभी तमाम खबर के जाने के लिए रौरे मन जुड़ल रहो प्राइम सादरी कर साथ में गाड़ी वाला से ये आप थोड़े गिफ्ट का दुआ करे। हम लोग थोड़े ही देर में हम लोग अपना पास तरफ से कोटी को डेपुटेशन दे करके हम लोग इसको देखते हैं। हामीले युनियनहरूलाई सोधे हामीले बोनसको के फैसला भयो भन्दा हामीलाई केही थाहा भएको छैन। अहिले उताबाट युनियनको मान्छेहरूले भनेको छैन भने होइन हामीले भने कति दिन हामी चुप लागेर बस्नु। हाम्रो माग हो यो हामीले मेहनत गरेको हो खुन पसिना बगाएर हाम्रो यो सालमा एक बोनस पाउँछ त्यो बोनस पाउँदा पनि यति साह्रो नाटक देखाउँछ कम्पनीले भनेर हामीले यो कुरा गरे अब के गर्नु आज फैसला छ भन्यो। हामी त सोच्यो अब आजको दिनमा सुनाउँछ होला भनेर हामीलाई त थाहा पनि थिएन कि सरहरू भाग्नुहुन्छ बडा साहेबहरू भाग्छ साहेब भाग्छ भनेर न युनियनको मान्छेहरूलाई थाहा थियो न हामीलाई थाहा थियो। अचानक साहेब भाग्यो राति 11 बजी सुन्यो हामीले कि साहेबहरू लक गरेर भाग्यो भनेर। अन्त हामीलाई यस्तो गरेर हुन्छ हाम्रो पाउने अधिकार हामीले माग गरेको हो नि त उनीहरूको पैसा त दिएको होइन हामीलाई हामीले खटेको हामीले मेहनत गरेको पैसा हामीलाई दिन्छ नि त उनीहरूले आफ्नो माग गर्नुको लागि पनि यति साह्रो लडाइ र अन्याय र अत्याचार सहनु हामी भन्नुहोस् त तपाईँहरूले। अन्त यसको पनि कुनै एक्सन लिँदैन लिनु पऱ्यो नि त जब हामी थाना घेराउ गर्नु आएको छौँ त हाम्रो पक्षमा पनि बोल्नु पऱ्यो उनीहरू हामी एउटा लेबर हो हामी लेबर वर्कर भइसकेपछि वर्करको माथि पनि बोल्ने युनियनहरूले युनियन ट्रेड युनियनहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरेको हुनुपर्छ र सबै कुरो मागमा हामीलाई सपोर्ट गरेर उनीहरूले भन्यो भने हामी पनि अगाडि बढिरहेको छौँ। किनभने आजको दिनमा हाम्रो बगान बन्द भयो होइन कतिवटा बगानहरू बन्द भएको छ हामीले यो दिनहरू देख्नुपर्छ देख्नु न नपरोस् भनेको थियो नि त हामीले। त्यसले गर्दा हामीले न गेट मिटिङ राख्यो न कुनै सडकमा गयो केही गरेन हामीले गएर सडकमा गएर स्ट्राइक गरेन थाना घेराउ गरेन। आजको दिनमा यस्तो कम्पनीले हामीलाई यस्तो धोका दिनु हो हाम्रो पाउने अधिकार अहिले तलब मङ्गलबार छ तलब पाकेको छ त्यो तलब पनि दिनु छैन बोनस कता हामीलाई कुनै कति पर्सेन्ट दिन्छ त्यो पनि डिक्लेयर गरेको थिएन भने आजको दिनमा अचानक हिजो बगान बन्द गरेर गयो यस्तो यस्तो मेनेजर राखेर यस्तो उसलाई कम्पनीलाई राखेर त फाइदा त छैन नि हामीलाई। अब जति दिन हामीले उयो गर्नुपर्छ आन्दोलन गर्छ गर्छौँ अब सोमबार भन्नुहुँदैछ सोमबारसम्म त अब हामीलाई पनि त हाम्रो पनि पूजा आइसक्यो हाम्रो टाइम छैन त्यो त सरहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो थानाको पुलिसहरूले पनि होइन हामीले अब हाम्रो पक्षबाट हामीले आन्दोलन गर्दैछौँ भने यहाँ ट्रेड युनियनको सरहरूले पनि यहाँ थानाको ओसीहरूले पनि हाम्रो लागि त केही कुछ गर्नु पऱ्यो नि त होइन भने हामी हजुर सपोर्ट त हुनै पऱ्यो हामीलाई ट्रेड युनियनकोले पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। आजको आज भिडियोबाट हुन्छ या डिएम हुन्छ डिएम सर हुन्छ आएर हामीलाई भन्नु पऱ्यो उहाँहरूले कि हामी यस्तो गर्छौँ हामीले यो दिनमा मिटिङ राखेको छौँ हामीले कम्पनीसँग बात गरेको छौँ भनेर चाहिँ भनेको हुनुपर्छ नि त। अब उहाँ सरहरूसँग मात्रै बात गरेर त हामीलाई त भएन कुनै फाइदा छैन किन हामी त हामी हामी हो नि त खट्ने लेबर हामी गर्छौँ घाम भन्यो पानी भन्यो साहेबहरू त आज आउँछ भोलि अर्को आउँछ होइन साहेब साहेब त 5 वटा चेन्ज भएर गएको छ हामी लागेको 2-3 वर्ष हुँदाखेरि देखेको हामीले तर म्यानेजर मालिक त चेन्ज हुँदैन नि त मालिकले बुझ्नुपर्ने कुरा हो र हामी लेबरले हामीले हाम्रो खटाइ हाम्रो दुःख गरेको अनुसार हामी अगाडि बढेर लडेर लिनुपर्ने हो नि त हामीले हामी पछाडि हट्दिन अब के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ आज यहाँ उयो गरेको छौँ होइन हामीले थाना घेराउ गरेको छौँ अब यहाँबाट नि हामीलाई कुनै उयो एक्सन लिएन भने हामी बानाट हाइवे पनि स्ट्राइक गर्न चाहन्छौँ। अब यहाँ चाहिँ त अब बोल रहा है कि उहाँ हो सर फोन किया है अभी मेसेजमा भेजा हुआ है बोल के बोल रहा है वो तो बात अब हम लोग को तो दिखाया नहीं अभी खाली अनाउंसमेंट किया था अब देखेंगे कैसा हो रहा है कितना रिस्पॉन्स मिलेगा उसी के। मेरा नाम दीपा राय मैं चेक पोस्ट कर रहने वाली हूँ चामर्ची बगान में टी गार्डन में। अच्छा दीदी यहाँ पे आज के दिन में किस चीज़ का विरोध हुआ? हम लोग बोनस के लिए बैठे हैं सब माँ बहन जितने सुबह से बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं
सब हम लोग का मांग है बोनस का। आज हम लोग का शायद बाबू जो है हम लोग कुछ भी उन लोग को नहीं किए हैं, कोई भी ये नहीं किए हैं, लेकिन वो लोग सब बंद करके चले गए, चुपचाप से चले गए, किसी को कोई जानने नहीं दिए। रात का टाइम में वो लोग भाग गए यहाँ से सब हमको तो रात में पता ही नहीं चला किसी को भी। हम लोग सुबह पता चला जब काम जाने के लिए निकल रहे हैं तो सुन रहे थे कहाँ जाएगी काम, काम तो वहाँ ताला मार के लोग चले गए हैं बोल के। वो लोग जब बोले तब पता पाए जो काम बंद है, तो हम लोग तो काम जाने के लिए निकल गए थे। इतना चुपचाप से वो लोग भागे हैं सब साहब लोग। कितना बजे तक करते रहेंगे ऐसा? हम लोग जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक हम लोग का कोई फैसला नहीं होगा, हम लोग नहीं सुनेंगे, जब तक हम लोग नहीं उठेंगे यहाँ से, सब हम लोग रास्ता जाम करके बैठे रहेंगे। कितना प्रतिशत बोनस का मांग करते हैं? हम लोग का 19% है जी। अभी सुना गया कि अभी यहाँ पे नहीं होगा कुछ, तो बानरहाट भी जाने वाले? हाँ, होने से जाना पड़ेगा, जाएंगे, सब जाएंगे, जितना हम लोग हैं सब जाएंगे। कितना सहयोग मिल रहा है यहाँ पे जो जनता लोग है, कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब जाने के लिए हम लोग जितना है, बल्कि यहाँ से अभी कुछ कुछ आदमी इधर उधर चले गए हैं, सब अभी आएंगे तो सब जाएंगे, अगर यहाँ नहीं हुआ तो हम लोग बनारस जाएंगे। एक्चुअली इटो मीटिंग ना लागे, इटो विगत दिन में चामुर्ची चाय बागान कर जो मैनेजर मने बागान छोड़ के चल जाए के वजह से उमन अपने आप को असुरक्षित महसूस करे के वजह से प्रशासन का दोरस्त में उमन आलाएँ कि का बात है जो मैनेजर यहाँ से चल गलक, हम इनकर जो नेगोशिएशन हो ही रहे 15% कर से के बिना देवल बेगर के को बिना जनाले बेगर हम इन जितना बागान कर वर्कर मन आई हम इन सबको बगान में काम जाए के लिए जब निकल इसे कर पता चल रहा कि नहीं बगान में कोई भी मालिक मन यहाँ मैनेजर मन न खाए एवं इमन चल गए बाहर सेकर चलते यहाँ आउटपोस्ट में आए के यहाँ एक तो धरना प्रदर्शन इमन कर लें, रोड जाम भी कर लें एवं सबको यहाँ एक तो मेमोरेंडम भी दिलें यहाँ कर जो आउटपोस्ट के ऑफिसर है उनके एवं से मेमोरेंडम तो जैसन दिलें साथे साथ उठे एक्शन में चल अलग कल के SP साहब एवं DM मैडम एडिशनल साहब मैंने सबको ही कर कार्यान्वित करे के बाद में अखने अखने हमार मैंने हमार नेता मनकर व्हाट्सएप ग्रुप में अखन चल अलग मैसेज तो कि 16 तारीख के कुछ मीटिंग है के देखिए हम इन सामने दुर्गा पूजा है, हम इनका चमोची चावान का जितना भी श्रमिक गण है श्रमिक गण के साथ में हम इन खड़ा है। आज वो मैंने देखे तो मिल रहा है कि आज बिना नोटिस कर मैंने आज जो नेगोशिएशन हम इनकर बैठ के कोलकाता में जो हो रही है वो नेगोशिएशन होने के बावजूद भी आज मैनेजमेंट बिना नोटिस कर मकान के बंद करके चल जाए। तो आज सुबह सुबह लेबर मंडल का काम में जाते हैं उनका जानकारी मिल रहा कि बगान में मैनेजर ना कर बगान के लॉकआउट करके चल जाए, तो वो एक तो रोज सबकर बीच में रही काले आज चामोची बगान जिस तरह से चले लाए आज बगान में ना PFC से जमा हुए लाएंगे ना बगान में आज JJP देवे लाएंगे ना बगान में आज तुम्हें आउट सुविधा मिले चाहे वो सुविधा मिले फिर भी यहाँ के लेबर मैन काम कर रहा है। आज पूजा का सामने इस तरह से बगान बंद को जाए जिकर हम इन घोर निंदा करी ला और चामोची बगान को जितना भी श्रमिक बना है उनके साथ में हम इन उमन कर हक दबी पावे के लगे उनके साथ में हम इन खड़ा है। आज चामोची बगान हम लोग का जो हम लोग का मीटिंग था वो जलपाईगुड़ी ITPA ऑफिस में हुआ, वहाँ पे 60 बगान का TIPA एंड ITPA दो एसोसिएशन का जो लोग बगान लोग मेंबर था उनका मीटिंग था। वहाँ पे सभी को इंडस्ट्री वाइज जो एग्रीमेंट हुआ है 20% था उसको 19 किया गया। चामुर्ची का 17 था, हम लोग 16 कर सकते थे, लेकिन चामुर्ची का परिस्थिति को देखते हुए उन लोग का अनुरोध को मानते हुए हम लोगों ने 15% किया है। और अचानक से हमारा लेबर से हमारा वर्कर से कोई बात नहीं, मालिक लोग बिना जनाए अन्याय रूप से बगान छोड़ के चला गया, उससे खोफ होकर के हमारा तमाम वर्कर आज सार्क रोड में आया था। आज हम लोगों ने ADM मैडम ने हमारे SP सर ने हमारे DBDO ने हमारे डेप्यूटी लेबर कमिश्नर सभी लोगों ने मालिक से बात किया, उन लोगों ने एक दिन का टाइम मांगा है, कल उन लोग आपस में बात करके सोमवार का दिन अभी सरकारी चिट्ठी हम लोग के व्हाट्सएप में आ गया 12:15 बजे डेप्यूटी लेबर कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग बुलाया गया है, मालिक लोगों के साथ बैठक होगा, हम लोग वहाँ जाएंगे। अभी OC साहब को हम लोग का वर्कर लोग की तरफ से ऑल ऑपरेटिंग यूनियन की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया, उन्होंने रिसीव किया, तो उसको हम लोग आगामी दिन में क्या होता है हम लोग सोमवार तक इंतजार करेंगे और ये अवरोध हम लोग उठाने के लिए सब वर्कर को अनुरोध किया है।